मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण हताशा, तनाव व परेशानियां हमें घेर लेती हैं। ऐसे में मात्र कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन की गहराइयों को समझकर अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है शिवानी वर्मा, जिन्हें हम ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का पूरा नाम शिवानी वर्मा है। शिवानी दीदी का जन्म 31 मई 1972 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। शिवानी दीदी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो हमेशा से अपनी क्लास में टॉपर रहती थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में शिवानी दीदी का अध्यात्म की तरफ जरा भी रुझान नहीं था। उनका परिवार शुरू से ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान से जुड़ा हुआ था, लेकिन शिवानी दीदी का अध्यात्म की तरफ कोई रुझान नहीं था। उनका मानना था कि उनको उसकी जरूरत नहीं है। सन 1994 में शिवानी दीदी ने पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया। इसके बाद 2 सालों तक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में लेक्चरर के रूप में काम किया। शिवानी दीदी के माता पिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े थे और मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। इनके माता जी की इच्छा हमेशा से यही रहती थी कि शिवानी को भी ब्रह्म कुमारी सेंटर जाना चाहिए और मेडिटेशन सीखना चाहिए। शिवानी दीदी के बचपन में विद्रोह स्वभाव के कारण उनकी माता जी जितना उनको ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाने को कहती, वो उतना ही उससे दूर भागती थी। उनका मानना था कि मेरी वर्तमान जिंदगी एकदम परफेक्ट है और मैं क्यों किसी के कहने से अपने वर्तमान जीवन में बदलाव करूं? मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शिवानी दीदी ने अपने माता जी के स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। जैसे सामान्य माताएं होती हैं, बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होती हैं, उनके लिए चिंता करती हैं, जल्दी भावुक होने लगती हैं, ऐसी कोई भी चीज उनकी माताजी में नहीं थी। अपनी माता के व्यवहार में इस तरीके का परिवर्तन देख केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शिवानी दीदी ने भी मेडिटेशन करना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे शिवानी दीदी की अध्यात्म में रुचि बढ़ने लगी और साल 1995 में शिवानी पूर्ण रूप से ब्रह्म कुमारी संस्थान में समर्पित हो गई। साल 2007 में शिवानी दीदी का टीवी पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम अवेकिंग विद ब्रह्म कुमारी था। जीवन, दर्शन और अध्यात्म पर आधारित यह प्रोग्राम बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। साल 2014 में उनको आध्यात्मिक चेतना को सशक्त करने के लिए वुमेन ऑफ द डिकेड अचीवर नाम के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में सिस्टर शिवानी दिल्ली में अंगदान जैसे सामाजिक कार्य को भी बढ़ावा दे रही हैं। आइए जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना किसने की थी। दुनिया भर में आध्यात्मिक आलोक जगाने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना दादा लेखराज द्वारा की गई थी। दादा लेखराज सिंध, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ के प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी थे। संस्था के लोग दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा नाम से जानते हैं। दादा लेखराज ने लोक कल्याण के उद्देश्य से सन 1936 को ब्रह्म कुमारी संस्था की नींव रखी थी। संस्था की शुरुआत कोलकाता से हुई थी। फिलहाल इसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह संस्था भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों को आध्यात्मिक अलग जगाने का काम कर रही है। पूरे विश्व में लगभग 8500 छोटी बड़ी शाखाओं के रूप में यह संस्था कार्य कर रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें और आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।